नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गौरी एंड वेलकम टू फिट स्टाइल। कुछ दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा कि 5 में से एक पुरुष या महिला को कॉन्स्टिपेशन की यानी कब्ज की परेशानी होती है। और मेरे बहुत सारे वीडियोस पर भी आप लोग जो वेट लॉस डाइट फॉलो करते हैं उनमें से कुछ लोगों को भी कब्ज की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। और ज्यादा करके महिलाओं को बढ़ती उम्र के साथ कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। और अगर आप कॉन्स्टिपेशन को सीरियसली नहीं लोगे तो ये परेशानी आगे जाकर कुछ सीरियस प्रॉब्लम में बदल सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टिपेशन को लेकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगी, जिससे आप कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को कंट्रोल कर सकते हो। और बस इतना ही नहीं, मेरी बताई हुई सिंपल चीज फॉलो करके आप विदाउट एनी टेंशन वेट लॉस डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हो और आपको वेट लॉस डाइट करते समय उसमें क्या क्या सावधानियों के बारे में सोचना है, ये समझने से पहले कॉन्स्टिपेशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ। दोस्तों, ये जानने की जरूरत इसलिए है कि बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन का सही मतलब पता ही नहीं है। बस आपको पॉटी ना होना यानी बॉबल मूवमेंट ना आना इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन है, ऐसा नहीं होता। तो अभी जो मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ उसमें से कोई भी अगर एक चीज का प्रॉब्लम आपको है, आई मीन सिम्टम्स आप में दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है और आपको इसे दूर करना होगा। तो अब देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की सही डेफिनेशन यानी व्याख्या क्या है और कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के पहले सिम्टम में है फ्रीक्वेंसी लेस देन 3 in a week, कि अगर आप एक हफ्ते में 3 बार से कम टॉयलेट करने जा रहे हो, आपको इतने कम बॉबल मूवमेंट हो रहे हैं, तो आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी होने की रिस्क बढ़ती है। इसी के साथ टॉयलेट करते समय शुरुआत में या पूरे समय अगर आप बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हो और विदाउट इसके आप पॉटी नहीं कर पा रहे हो तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का एक सिम्टम होता है। इसके बाद अगला सिम्टम आपके स्टूल यानी पॉटी के कंसिस्टेंसी को लेकर है। अगर आपकी पॉटी बहुत ही ज्यादा हार्ड पत्थर जैसी है, छोटे छोटे पेबल्स जैसे है, तो भी आपका कॉन्स्टिपेशन होने का खतरा कायम रहता है। उसके बाद और एक सिंपल ऐसा सिम्टम है जो बहुत लोगों में पाया जाता है कि उनको टॉयलेट करने के बाद पेट पूरा खाली हुआ ऐसा लगता ही नहीं है, तो उनको भी कब्ज की बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों, साइंटिफिक डेफिनेशन के अनुसार इन सिम्टम्स में से अगर आपको कोई भी एक प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है और इसे आपको ठीक करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा गैसेस और पेट दुखने की समस्या होती है। इवन टॉयलेट करते समय पॉटी के साथ खून भी आ सकता है। अब बात आती है कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपने कौन से सिंपल चीजें फॉलो करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये डायरेक्टली देखने से पहले हम ब्रीफली समझ लेते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होती ही क्यों है। दोस्तों, वैसे तो कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे फैक्टर की वजह से हो सकता है, फिर वो आपका डाइट हो या दूसरी कोई चीज हो, लेकिन मेनली 3 कैटेगरी में कॉन्स्टिपेशन के कॉजेस यानी कारणों को डिवाइड किया जाता है। उसमें से पहला है स्लो ट्रांसिट। दोस्तों, इस कैटेगरी के अनुसार जब आपके बड़े इंटेस्टाइन से यानी कोलन से पॉटी स्मूथली आगे नहीं बढ़ती है तब आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इस कैटेगरी में अगर कारणों की बात करें तो वो इस प्रकार है। सबसे पहले तो लो फाइबर डाइट, उसके बाद डिहाइड्रेशन यानी कम पानी पीना, इवन कुछ नशा करने के चीजों के कारण या कुछ मेडिकेशन यानी दवाई की वजह से भी आपके कोलन से पॉटी आगे पुश होने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की अगली कैटेगरी में, आई मीन कॉन्स्टिपेशन होने के कारणों में अगला ग्रुप है नर्व सिग्नलिंग प्रॉब्लम। जिसे नाम में बताया है उसके अनुसार ही इस प्रकार की कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण आपका नर्वस सिस्टम होता है। अगर किसी को नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से डाइजेशन सिस्टम में से पॉटी को आगे पुश करने का सिग्नल देने में परेशानी होती है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पार्किंसंस प्रॉब्लम है तो उनको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो सकती है। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन के कारणों की तीसरी कैटेगरी में आता है पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। दोस्तों, आपके पेल्विक एरिया के मसल्स अगर वीक है या ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तब भी स्टूल यानी पॉटी को स्मूथली आगे निकलने में प्रॉब्लम होता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होती है। अब दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज क्या होता है और आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों हो सकता है, ये सारी चीजें देखने के बाद हम बात करते हैं कि आप कॉन्स्टिपेशन की बीमारी को कैसे दूर कर सकते हो। आज मैं आपको सिंपल ऐसे 4 उपाय बताने वाली हूँ। ये उपाय अगर आप वेट लॉस डाइट कर रहे हो या ना भी कर रहे हो फिर भी आप फॉलो कीजिए।
आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इन उपायों में पहला है इंक्रीज योर फाइबर इनटेक, यानी आपके आहार में आप ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच फूड खाइए। आई मीन आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स यानी अनाज को खाना है। चाहिए तो आप हाई फ्रुक्टोज फ्रूट्स लाइक एप्पल, पेयर और वाटरमेलन को अवॉइड कीजिए। इसकी वजह से आपको गैसेस का प्रॉब्लम हो सकता है। हाई फाइबर रिच खाने से आपका गट अच्छे से काम करता है। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर करने के लिए दूसरा उपाय है रेगुलर एक्सरसाइज करना। दोस्तों, रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से आपकी टॉयलेट स्मूथली लार्ज इंटेस्टाइन कलोन से आगे पुश होने में मदद मिलती है। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर करने का तीसरा और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। दोस्तों, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको कब्ज की बीमारी हो सकती है, इसीलिए आप सफिशियंट मात्रा में पानी पीजिए और हो सके तो सुबह उठते ही खाली पेट कम से कम 1 से 2 ग्लास गर्म गुनगुना पानी पीने की कोशिश कीजिए। इसे आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर करने के लिए आखिरी यानी 4 नंबर का तरीका है कि जब भी आपको टॉयलेट जाने की थोड़ी भी सेंसेशन हो तब आप उसे अवॉइड ना करें और टॉयलेट करने के लिए जाइए। मुझे लगता है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आप इन 4 तरीकों को फॉलो कीजिए, आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आप अगर वेट लॉस डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो तो आपको डाइट फॉलो करते समय या वजन कम करते समय कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका पेट हमेशा साफ रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये सभी तरीके फॉलो करने के बाद भी आपकी कब्ज की बीमारी ठीक नहीं हो रही तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होने का चांस हो सकता है, तो उसके लिए आपने ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। आई होप आज के वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।